हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल इजी एक्वा 24 में। मेरा नाम सागर है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे एक्वेरियम फिश के बारे में बात करेंगे जो कि एक बिगिनर फिश है और बहुत अट्रैक्टिव है। अगर आप फिश कीपिंग हॉबी में नए हैं तो आसानी से इसे अपने घर पर रख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों इलेक्ट्रिक ब्लू अकारा फिश के बारे में। दोस्तों, ये फिश बहुत ही हार्डी फिश है, इसे केयर करना बड़ा ही आसान है। इस फिश को रखने के लिए एक्वेरियम को कैसे सेटअप करना है इसके बारे में मैंने वीडियो में पूरी जानकारी दी है। इस वीडियो में मैंने कुछ पॉइंट्स कवर किए हैं, इन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस फिश को आप आसानी से घर पर रख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट है इनके हैबिटेट के बारे में। नेचर में ये फिश कहाँ पाई जाती है? दोस्तों, नेचर में इलेक्ट्रिक ब्लू अकारा साउथ अमेरिकन रिवर्स में पाई जाती है। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है इनके स्पीसीज के बारे में, टाइप्स के बारे में। नेचर में इलेक्ट्रिक ब्लू अकारा और ब्लू अकारा ऐसे दो टाइप के फिश पाए जाते हैं। इलेक्ट्रिक ब्लू अकारा का कलर स्काई ब्लू होता है और जो ब्लू अकारा है उसका कलर नॉर्मल ब्लू होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इनके साइज और लाइफ स्पैन के बारे में। ये फिश कितने इंच तक बड़ी हो सकती है? अगर आप इसे अच्छे से केयर करेंगे तो ये फिश 6 से 7 इंच तक बड़ी हो सकती है और 10 साल तक जीवित रह सकती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे एक्वेरियम को कैसे सेटअप करना है, इस फिश को रखने के लिए एक्वेरियम में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। इस फिश को रखने के लिए कम से कम आपके पास 2 फीट का एक्वेरियम होना बहुत जरूरी है, यानी 30 गैलन का एक्वेरियम आपके पास होना चाहिए। एक्वेरियम को रखने के लिए आप मेटल स्टैंड यूज कर सकते हैं या मेटल या फिर वुडन टेबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्वेरियम सेटअप करते वक्त कुछ बेसिक चीजें जरूरी है, जैसे कि एक्वेरियम कवर, बैकग्राउंड, सबस्ट्रेट यानी ग्रेवल और लाइट्स। आप इस फिश को प्लांटेड एक्वेरियम में भी रख सकते हैं या फिर आप आर्टिफिशियल प्लांट्स भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्वेरियम एक्सेसरीज के बारे में। कुछ बेसिक एक्सेसरीज है जो आपको इस फिश को रखते समय खरीदनी जरूरी है। कुछ बेसिक चीजें जैसे कि एक्वेरियम एयर पंप, जिसे ऑक्सीजन पंप भी कहते हैं, वो चाहिए। दोस्तों, फिश को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है तो एयर पंप से पानी में ऑक्सीजन मेंटेन रहता है। फिश को मूव करने के लिए फिश नेट चाहिए। ग्रेवल क्लीन करने के लिए एक साइफन पंप आता है, वो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, वो भी लेना जरूरी है। फिर पानी निकालने के लिए बकेट चाहिए। ग्लास क्लीन करने के लिए एक मैग्नेटिक ग्लास क्लीनर आता है, अगर वो आप नहीं खरीदना चाहते तो नॉर्मल स्पंज का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वाटर पैरामीटर्स के बारे में। इस फिश को रखने के लिए क्या वाटर पैरामीटर्स होने चाहिए ये जानते हैं। दोस्तों, वाटर का पीएच लेवल जो है वो 6.5 टू 8 के बीच में होना जरूरी है। पानी का पीएच लेवल टेस्ट करने के लिए या मॉनिटर करने के लिए आप पीएच टेस्ट के इस्तेमाल कर सकते हैं या आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। पानी का पीएच लेवल मेंटेन रखने के लिए इस तरीके से आप ड्रिफ्टवुड पानी में रख सकते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वाटर टेम्परेचर के बारे में। इस फिश को अगर आपको घर पर रखना है तो वाटर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए इसके बारे में जानते हैं। वाटर टेम्परेचर दोस्तों 22 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस यानी 72 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 86 डिग्री फ़ारेनहाइट इनके बीच में होना चाहिए। इस फिश को रखने के लिए आइडियल वाटर टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस है यानी 84 डिग्री फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर को मॉनिटर करने के लिए आप थर्मोमीटर या फिर TDS मीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये दोनों भी चीजें आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वाटर मूवमेंट के बारे में। इस फिश को रखने के लिए वाटर का मूवमेंट कैसा होना चाहिए? इस फिश को रखने के लिए वाटर मूवमेंट बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। वाटर का मूवमेंट स्ट्रांग करने के लिए आप वेव मेकर या फिर इंटरनल पावर फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फिश मूवमेंट जोन के बारे में। ये फिश एक्वेरियम में कौन सी जगह में मूवमेंट करती है? ये फिश टेरिटोरियल नहीं है, नॉन टेरिटोरियल फिश है। ये फिश दोस्तों एक्वेरियम में पूरी जगह में मूवमेंट करती है। दोस्तों, आगे जानते हैं एक्वेरियम लाइट्स के बारे में। लाइट्स आपको कितनी देर तक चालू रखनी है? रात के समय में दोस्तों लाइट्स को ऑफ रखना है, क्योंकि रात के समय में फिश रेस्ट करती है, और दिन के समय में आपको 8 घंटे से ज्यादा लाइट्स ऑन नहीं रखनी है। अब जानते हैं बैकग्राउंड और ग्रेवल का कलर कौन सा होना चाहिए। अगर आप डार्क कलर का बैकग्राउंड और डार्क कलर का सबस्ट्रेट ग्रेवल यूज करते हैं तो फिश का कलर भी दोस्तों डार्क हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा। दोस्तों, आगे जानते हैं फीडिंग के बारे में। इलेक्ट्रिक ब्लू अकारा एक कार्निवोरस फिश है। फीडिंग में आप इन्हें लाइव ब्लडवर्म दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिए, लाइव ब्लडवर्म जब आप दुकान से खरीद कर लेके आएंगे तो वो फ्रेश होने चाहिए, अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए, उसमें कचरा या फिर मिट्टी नहीं होनी चाहिए। और फिर आप इन्हें ड्राई ब्लडवर्म्स भी खिला सकते हैं या फिर ड्राइड श्रिम्प या फिर प्रॉन्स भी खिला सकते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, इन्हें आप अलग अलग टाइप्स के फिश फूड भी खिला सकते हैं। जितना ज्यादा हाई क्वालिटी का फिश फूड आप इन्हें खिलाएंगे, इनका कलर और ग्रोथ उतनी अच्छी तरीके से होगा। और प्लीज दोस्तों, इन्हें चिकन हर्ट, गोट हर्ट या फिर बीफ हर्ट ऐसी चीजें मत खिलाइए। ये खिलाने से इनको इनडाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है या फिर ब्लोटिंग का इश्यू हो सकता है, ये फिश बीमार हो सकती है। और दोस्तों, इन्हें लाइव फीडिंग भी मत कीजिए। लाइव फीडिंग करने से फिश का बिहेवियर एग्रेसिव हो सकता है। दोस्तों, आगे जानते हैं इनके टैंक मेट्स के बारे में। इलेक्ट्रिक ब्लू अकारा फिश को आप दूसरी कौन सी फिश के साथ में रख सकते हैं ये जानते हैं। दोस्तों, ये फिश एक सेमी एग्रेसिव फिश है, तो इसको आपको सेमी एग्रेसिव फिश के साथ में ही रखना है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ऐसे अलग अलग टाइप के सेमी एग्रेसिव फिश के साथ में आप इन्हें रख सकते हैं। जिस सेमी एग्रेसिव फिश के साथ में आप इन्हें रखना चाहते हैं
उसका साइज और इनका साइज सेम होना जरूरी है। अगर दूसरी फिश इसके साइज के हिसाब से थोड़ी बड़ी है तो वो फिश इसके ऊपर अटैक कर सकती है, इसे मार सकती है। और दोस्तों प्लीज इन्हें बड़े बड़े साइज के एग्रेसिव फिश के साथ में मत रखिए, जैसे कि ऑस्कर है, एलिगेटर है, स्नेक हेड्स है या फिर बड़ी बड़ी कैटफिश है, इनके साथ में आपको इन्हें नहीं रखना है। वो फिश इन्हें खा सकती है या फिर इनके ऊपर अटैक करके इनको मार सकती है। अगर आपको इन्हें एग्रेसिव फिश के साथ में रखना ही है तो एग्रेसिव फिश का साइज इनके साइज के हिसाब से कम होना चाहिए। अभी आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इन फिश के साथ में आपको इन्हें नहीं रखना है। दोस्तों इन्हें डिस्कस और अफ्रीकन सिक्लेट के साथ में भी नहीं रखना है, क्योंकि डिस्कस दोस्तों एक पीसफुल एक्वेरियम फिश है। अगर आप इलेक्ट्रिक ब्लू अकारा जैसे सेमी एग्रेसिव फिश के साथ में रखेंगे तो वो फिश डिस्कस के ऊपर अटैक कर सकती है। और अफ्रीकन सिसिड को जो वाटर पैरामीटर चाहिए वो बहुत ही अलग है, तो इसीलिए आपको इनके साथ में भी नहीं रखना है। दोस्तों इन्हें छोटे साइज के एक्वेरियम फिश के साथ में नहीं रखना है, ये फिश उनके ऊपर अटैक करके उनको मार सकती है या फिर उन्हें खा सकती है। आगे जानते हैं इलेक्ट्रिक ब्लू अकारा को केयर कैसे करें, इसका ख्याल कैसे रखें। परचेस करते वक्त आपको ध्यान देना है कि आप हेल्दी फिश परचेस करें जिसका कलर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो और जो पूरी तरीके से मूवमेंट कर रही हो। बाद में जब आप इसे घर पर लाएंगे तो एक्वेरियम में जो पानी यूज करेंगे वो 2 दिन पुराना होना चाहिए। ताजा नल का पानी इस्तेमाल नहीं करना है या सिंटेक टैंक का पानी इस्तेमाल नहीं करना है। ताजे पानी में टैप वाटर में क्लोरीन की मात्रा दोस्तों ज्यादा होती है। क्लोरीन की मात्रा पानी में ज्यादा होने से फिश मर सकती है या बीमार हो सकती है। पानी को डीक्लोरीनेट करने के लिए आप डीक्लोरीनेट लिक्विड भी यूज कर सकते हैं या फिर हाइपो के क्यूब्स आते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों वाटर क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए आप हफ्ते में एक बार पानी जरूर चेंज कीजिए। आपको कम से कम 30% वाटर चेंज करना जरूरी है। पानी चेंज करते वक्त दोस्तों आपको एक चीज का ध्यान देना है, आपको 2 दिन पुराना पानी लेना है, यानी एज वाटर लेना है, डीक्लोरीनेटेड वाटर आपको लेना है। अगर आपको वाटर क्वालिटी मेंटेन रखना है, अच्छा रखना है, तो आप स्पंज फिल्टर का इस्तेमाल कीजिए और ग्रेवल फिल्टर का इस्तेमाल कीजिए। ये 2 फिल्टर रखने के साथ साथ आप कैनिस्टर फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, सम फिल्टर या टॉप फिल्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लीज दोस्तों ऑक्सीजन पंप यानी एयर पंप और हीटर, इन 2 चीजों को आपको हमेशा चालू रखना है, ऑन रखना है, इन्हें गलती से भी बंद नहीं करना है। क्योंकि जब क्लाइमेट चेंज हो जाता है तो पानी का टेम्परेचर कम ज्यादा होने लगता है, इसके कारण फिश बीमार हो सकती है। ठंडी के सीजन में दोस्तों हीटर ऑन रखिए और गर्मी के सीजन में आप पावर फिल्टर लगा सकते हैं जिससे पानी ठंडा होने में सहायता होती है। और हाँ दोस्तों इन्हें ओवरफीडिंग भी मत कीजिए, ओवरफीडिंग करने से फिश बीमार हो सकती है, इन्हें इनडाइजेशन का प्रॉब्लम या ब्लोटिंग का इश्यू हो सकता है। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है इनके डिजीज और ट्रीटमेंट के बारे में। इनमें एक कॉमन डिजीज है दोस्तों, वो है इचिंग। और पैरासिटिक इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन या इंटरनल पैरासाइट, ऐसे भी अलग अलग टाइप के डिजीज है। दोस्तों फिश को डिजीज कब होते हैं, जब आप वाटर क्वालिटी मेंटेन नहीं रखते हैं या फिर वाटर टेम्परेचर आप मेंटेन नहीं रखते हैं, तब फिश को डिजीज हो सकते हैं। जब कोई दूसरी फिश इनके ऊपर अटैक करती है तो ये फिश स्ट्रेस में जा सकती है और बीमार हो सकती है। दोस्तों ये जो सेमी एग्रेसिव फिशेस है ये एक दूसरे के ऊपर हमेशा अटैक करते रहते हैं, तो आप हाइडिंग ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे जानते हैं दोस्तों डिजीज इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। सबसे पहले तो बीमार फिश को आपको अलग करना है, सेपरेट टैंक में रखना है उसको क्वारंटीन करने के लिए, क्योंकि अगर आप इसे सेपरेट नहीं करेंगे तो इनके साथ में जो फिश रखी गई है वो भी बीमार हो सकती है। अगर आपके पास सेपरेट एक्वेरियम नहीं है तो उसी एक्वेरियम में आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट करने के लिए दोस्तों आपको पानी में 2 टेबलस्पून रॉक सॉल्ट डालना है, यानी जाड़ा नमक डालना है। घर का जो आयोडाइज नमक है वो इस्तेमाल नहीं करना है। आपको 2 दिन पुराना एज वाटर लेना है, यानी डीक्लोरीनेटेड वाटर लेना है। फिर पानी में आप मिथिलीन ब्लू नाम का ब्लू लिक्विड आता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना आपका एक्वेरियम साइज है उस हिसाब से आपको मिथिलीन ब्लू का इस्तेमाल करना है। दोस्तों लाइट्स आपको पूरी तरीके से बंद रखनी है और 2-3 दिन के लिए आपको फिश को खाना नहीं खिलाना है, फीडिंग नहीं करना है, फिश को रेस्ट करने के लिए टाइम देना है। तो मैंने बताए गए इन तरीकों से आप बीमार फिश को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों हमारा लास्ट पॉइंट है इनके प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। दोस्तों ये फिश मार्केट में इजीली मिल जाती है और 2 इंच साइज का फिश आपको 100 से 200 रुपए के बीच में मिल सकता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक ब्लू अकारा फिश के बारे में। इस तरीके से और कौन सी फिश के बारे में आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए।